नमस्कार। सबसे पहले आप सभी का यहाँ नेहरू नक्षत्र में स्वागत है। आई वेलकम यू ऑल एट नेहरू प्लैनेटेरियम। हमारा कार्यक्रम है कहानी ब्रह्मांड की, बायोग्राफी ऑफ द यूनिवर्स। इस कार्यक्रम के दो भाग हैं। पहला भाग यही है जहाँ हम आपको थोड़ी सी पर जरूरी जानकारी देते हैं हमारे सौरमंडल के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में, जो आधारित होगी आपके सिर के ऊपर जो प्रतिकृति है इस पर। यह जानकारी 7 से 8 मिनट की होगी। उसके बाद हम सभी स्काई थिएटर में चलेंगे जहां हमारा स्काई शो 12:20 के बाद स्टार्ट होगा, शुरू होगा आफ्टर 12:20। अब कुछ सूचनाएं हैं जिनका आपको सख्ती से पालन करना होगा। कैंटीन के बाहर कहीं भी खाद्य पदार्थों का उपयोग ना करें। इस हॉल में आप फोटोग्राफी कर सकते हो और स्काई थिएटर के पास जहाँ भी एग्जीबिशन एरिया है वहाँ आप जितनी चाहे उतनी तस्वीरें ले सकते हो, पर स्काई थिएटर के अंदर बैठने के बाद फोटोग्राफी ना करें। आपके टिकट के ऊपर सीट नंबर छपे हुए हैं, इसका अर्थ ये हुआ कि आप इसे यदि आप ध्यान से देखें तो एक बात आपको समझ में आती है कि यहाँ सूर्य के साथ साथ केवल शनि सैटर्न तक के ग्रहों को ही दर्शाया है। तो आपके मन में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि शनि के बाद के जो दो ग्रह हैं वो कहाँ हैं? तो उन दोनों को हमने यहाँ दर्शाया नहीं है क्योंकि उनको देखने के लिए टेलीस्कोप दूरबीन की आवश्यकता होती है। अर्थात ये जितने भी ग्रह यहाँ बताए गए हैं इनको आप टेलीस्कोप के बगैर भी आकाश में देख सकते हो यदि आपको सही समय और दिशा कब देखना है, कहाँ देखना है वो पता हो तो। शुरुआत हम करते हैं केंद्र में जहाँ हमारा सूर्य है, सन है। सूर्य एक मध्यम कद का तारा है जिसकी सतह का तापमान है लगभग 5,500 डिग्री। तो यदि किसी तरह हम सूरज के केंद्र तक पहुँच जाते हैं तो वहाँ का तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री, दैट्स 15 मिलियन डिग्रीज। यहाँ भले ही सूर्य हमने छोटा दर्शाया है पर सूर्य इतना विशाल है, इतना ह्यूज है कि सूर्य के अंदर हम पृथ्वी जैसे 13 लाख ग्रहों को रख सकते हैं। अब हम ग्रहों का परिचय देते हैं। सूर्य से सबसे निकट का और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध, मर्क्यूरी। इस बुध ग्रह पर किसी भी तरह का वातावरण नहीं है और न ही तो उसे एक भी चंद्र है। दूसरा ग्रह शुक्र, वीनस। अब शुक्र पर वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज्यादा है, तो वो क्या करता है, सूर्य से आने वाली ज्यादातर ऊर्जा एनर्जी को अपने अंदर सोख लेता है, एब्सॉर्ब करता है, बाहर जाने नहीं देता। इसी कारण से वहां तापमान 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और यही बात शुक्र को सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह बनाती है। शुक्र को कोई भी चंद्र या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। शुक्र के बाद ब्रह्मांड में हमारा घर हमारी पृथ्वी। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन संभव हुआ है और इन दिनों स्पेस टूरिज्म की शुरुआत हो चुकी है। आप पृथ्वी से रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष में जाकर पृथ्वी को देख सकते हो, उसे ही स्पेस टूरिज्म कहा जाता है, जिसकी फीस कम से कम 1 करोड़ रुपए से शुरू होती है और उसमें नीचे आने की गारंटी नहीं है। अब पृथ्वी के बाद लाल ग्रह मंगल, रेड प्लैनेट मार्स। दिखने में लाल रंग सा दिखाई देता है क्योंकि मंगल ग्रह की मिट्टी में जंग पाया जाता है जिसे टेक्निकली हम कहते हैं आयरन ऑक्साइड। और आपको याद होगा कुछ सालों पहले भारत ने मंगलयान मंगल की कक्षा में भेजा था जो आज भी कार्यरत है और बहुत सारी जानकारी हमें वहां से वो दे रहा है। और मंगल को आज अपने 2 चंद्र हैं, डाइमोस और फोबोस उनके नाम हैं। मंगल के बाद बहुत सारे पत्थरों के टुकड़े आते हैं, उनको हम कहेंगे लघु ग्रह, एस्टेरॉइड्स। और उसके बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह गुरु, जुपिटर। अब ये बड़ा तो इतना बड़ा है कि गुरु ग्रह के अंदर हम पृथ्वी जैसे 1000
300 ग्रहों को रख सकते हैं। उतना बड़ा गुरु का कद है, पर गुरु का दिन बहुत ही छोटा है, केवल 10 घंटे जितना। तो 5 घंटे का दिन और 5 घंटे की रात। तो बच्चों, अगर आप कल्पना करते हो कि आप भविष्य में जुपिटर पर रहने चले जाओगे, तो वहाँ आपको स्कूल में जाना होगा केवल 2 घंटों के लिए, और आप जल्दी घर भाग सकते हो। पर गुरु जो है वो हमारे सूर्य से थोड़ा दूर है, तो उसे सूरज के आसपास एक परिभ्रमण रिवॉल्यूशन पूरा करने में 12 साल लगते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि बच्चों को हर क्लास में 12 साल तक बैठना होगा, और यदि गलती से कोई भी फेल हो गया तो दूसरे 12 साल। और गुरु को आज अपने 79 चल रहे हैं, 79 मून्स। गुरु के बाद इस प्रतिकृति का अंतिम ग्रह शनि, सैटर्न। शनि दिखने में बहुत सुंदर है, जिसका कारण है शनि के बलय रिंग्स ऑफ सैटर्न, जो दरअसल बर्फ और धूल के टुकड़े हैं। और शनि को आज सौरमंडल में सबसे ज्यादा चंद्र हैं, उनकी संख्या है 82, 82 नेचुरल सैटेलाइट्स, हाईएस्ट इन द सोलर सिस्टम। अब शनि के बाद के जो 2 ग्रह हैं, यूरेनस और नेपच्यून, उनको देखने के लिए टेलीस्कोप की आवश्यकता होती है, इसी कारण से हमने उनको यहाँ दर्शाया नहीं है। उनमें से यूरेनस को अपने 27 चंद्र हैं, नेपच्यून को 15, और प्लूटो, जिसे हम बहुना ग्रह ड्वार्फ प्लैनेट मानते हैं, उसे अपने 5 चंद्र हैं। तो सौरमंडल की जानकारी मैं यहाँ पर समाप्त करता हूँ। अब आपके लिए 3 आवश्यक सूचनाएं हैं जो आपके काम की हैं। पहली सूचना, आप यहाँ प्रोजेक्ट लेबोरेटरी है, वहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट्स की डेमोन्स्ट्रेशन आपको हम करके दिखाते हैं, और वो होता है शनिवार और रविवार, सैटरडे और संडे, एंड दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो यदि आपको रुचि हो तो आप वहाँ नीचे जा सकते हो, शनिवार और रविवार दोपहर 3:10। दूसरी सूचना, स्काई शो शुरू होने में कम से कम 20 मिनट का समय बाकी है। इस समय में आप यहाँ इस हॉल में और स्काई थिएटर के पास ऊपर जो भी एग्जिबिट्स हैं अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि प्रोग्राम के बाद आप दोबारा कुछ भी देख नहीं पाओगे, एग्जिट दूसरी ओर से है। और यदि आपके कोई प्रश्न हो, क्वेरीज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू।
ये देखो चंद्र और सैटेलाइट इधर देखो और वो एस्ट्रोनॉट एक हजार 260 नंबर चंद्र सात खुशी सर पापा का भी ऐसे ही फोटो काट देते हो।
काय अजून पुढं दिसतच नाही आहे त्यात उंचीचा प्रश्न.